Affirmations, visualizations, sats, guided meditations. अगर आप सब भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सी टेक्निक चूज करनी चाहिए तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशंस। So if you are interested in these topics, आप इस beautiful community को join कर सकते हैं। As you all know, अब आप मुझसे one-on-one coaching ले सकते हैं for your manifestations। नीचे दिए गए Gmail पे आप मुझे एक mail send कर सकते हैं that you are interested in my manifestation coaching। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई problem आ रही है रिगार्डिंग योर मैनिफेस्टेशन एंड कुछ रेजिस्टेंस है, या आपको पता नहीं लग रहा कि आप राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही आप मुझे नीचे दिए गए जीमेल पे एक मेल सेंड करेंगे दैट यू आर इंटरेस्टेड इन माय मैनिफेस्टेशन कोचिंग, हमारा पहला सेशन होगा। अब इस सेशन में हम क्लैरिटी डेवलप करेंगे कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं और आपके इमोशंस क्या हैं, और हम आपको एक कस्टमाइज्ड मैनिफेस्टेशन रूटीन प्लान बना के देंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपको सूट करेगा। जितने भी वीक्स का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं, उन सारे वीक्स के दौरान, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान, आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू व्हाट्सएप। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आप डाउट्स फेस कर रहे होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो सब आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक चूज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहली बात, Be specific, be clear. सबसे पहले तो आप ये क्लैरिटी डेवलप कर ले कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमें SP चाहिए। सो जब मुझे ऐसे केसेस मिलते हैं तो इनमें एक क्लैरिटी नहीं होती। कभी वो बोलते हैं कि हमें एक कॉल चाहिए SP से, कभी वो बोलते हैं हमें एक रिलेशनशिप चाहिए। सो दे डोंट नो, उनको पता नहीं होता कि उन्हें रिलेशनशिप चाहिए या उन्हें कॉल्स चाहिए। सो अगर आप एक कॉल मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बी स्पेसिफिक कि हाँ, मुझे सिर्फ एक कॉल चाहिए, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हो सकता है उस कॉल में आपको अपॉलोजी चाहिए हो, या आपको कुछ और बात सुननी हो उनसे, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो वो बिल्कुल अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो पहले तो क्लैरिटी डेवलप करो। अब जो मैनिफेस्टेशंस हमें अपनी लाइफ में चाहिए, उसके लिए आपको सेकंड बात का ध्यान रखना होगा, और वो दूसरी बात ये है कि मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग थिंग्स गो। ठीक है, आपको डिटैच होना पड़ेगा। ठीक है, उन चीजों से जो चीजें, द थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अभी भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे बिहेवियर्स से एक्ट करते हैं जो कि आपका फ्यूचर सेल्फ इस टाइम पे नहीं करता। ठीक है, आपका फ्यूचर सेल्फ, जिसके पास आपकी डिजायर्स होती, वो इस टाइम पे एक सर्टेन बिहेवियर में बिहेव करता, राइट? उसका एक सर्टेन एटीट्यूड होता, एक सर्टेन पर्सपेक्टिव होता किसी भी काम को करने का। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही आप इंटेंशन सेट करते हैं, जैसे ही आप क्लैरिटी लाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो दूसरी चीज़ है कि आपको उस इंसान की तरह एक्ट करना स्टार्ट करना होगा। ओके, आपको एक्ट करना स्टार्ट करना होगा। आपको पूछना होगा अपने आप से कि अगर आपका फ्यूचर सेल्फ, जिसके पास ये सब होता, वो इस टाइम पे या इस काम को करते हुए कैसी सोच रखता, वो कैसे करता इस काम को। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर, जैसे मेरे साथ क्या होता है, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा आंसर होता है कि काम वो यही करता, लेकिन वो एक माइंडसेट के साथ करता जिसमें उसको कोई टेंशन नहीं होती, कोई वरी नहीं होता, मतलब वो फ्री माइंडेड होके काफ़ी ये काम करता। वैसी सोच आपको रखनी पड़ेगी, आपको वो बिहेवियर अडेप्ट करना पड़ेगा। दो तीन दिन लगेंगे कि
हर बार आप ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, दो तीन दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत एक्स्ट्रा काम है, ये बहुत ज़्यादा है. नहीं, जब 1 वीक बीत जाएगा तो वो आपकी नेचुरली आदत बन जाएगी. ओके, अगर मेरा फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे होता तो वो शायद ये करता. ओके, तो सेकेंड थिंग इज लेट गो ऑफ योर पास्ट सेल्फ. जो आपने पास्ट में कर दिया, जो आपके साथ पास्ट में हो गया, वो आपके जाने अनजाने में आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, वो जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशंस कर ही जा रहा था. क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन तो तब भी काम करता है जब आपको इसके बारे में नहीं भी पता हो. सिंपल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अब इसको प्रूव करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप हर रोज 70 to 80,000 थॉट्स सोचते हैं, और उनमें से जो सारे थॉट्स होते हैं वो 60 to 75 थॉट्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, राइट? तो अगर आपने दिन में 40,000 थॉट्स एक चीज़ के सोचे हैं जो कि अभी आपकी रियलिटी है, तो वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, राइट? सो सेकेंड स्टेप इज लेट गो ऑफ योर पास्ट सेल्फ एंड बिलीव्स. अब इसमें एक सेकेंड एस्पेक्ट भी है इसी सेकेंड स्टेटमेंट में, लेट गो ऑफ द पास्ट सेल्फ. आप उन चीज़ों को भी बदल सकते हैं जो आपको वैसा फील नहीं करवा रही जैसा पहले करवाती थी. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्टिंग में एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किए, अब आपने 2 वीक्स हो गए हो, आप 2 वीक्स हो चुके हैं और आप रेगुलरली अफर्म कर रहे हो, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अफर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सच में मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं अफर्म नहीं कर रहा होता. ठीक है, या हो सकता है कि आपका मन ना करे कि मैं ज़ोर से एफर्मेशन बोलूं बाहर, हो सकता है कि आपका मन करे कि आप मैं अपने ब्रेन में ही एफर्मेशन बोलता रहूं. सो मतलब आप डिज़ायर नहीं चेंज कर रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट करने का तरीका चेंज कर रहे हो, जो टेक्निक आप अपना रहे हो. हो सकता है आप एफर्मेशंस 1 महीना बोले और उसके बाद आपका विजुअलाइजेशन करने का मन करे. मतलब आपको अपनी इंट्यूशन के साथ चलना है. ठीक है, जो भी टेक्निक आपको बेहतर लग रही है, आपने फोर्सफुली कुछ नहीं करना है. फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जहां पे फोर्स होती है वहां पे लैक होता है. सो आपने बहुत ही फ्रीली इन टेक्निक्स को चूज करके अप्लाई करना है. अब इधर मैं अपनी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लूंगी, एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने एटलीस्ट 3 टेक्निक्स मैंने चेंज की फॉर मैनिफेस्टिंग माई क्लियर ग्लास स्किन. तो मैंने जब लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो एफर्मेशन का मुझे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना पता था कि आपको 10-20 मिनट्स अगर आप हर रोज अफर्म करो, रिलैक्स करके अपने आप को, और उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दो, और मतलब हैप्पीनेस में रहो, मतलब खुशी में रहो, हायर वाइब्रेशंस में रहो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं. अब मैंने कुछ वीडियोस देखे थे रोबोटिक अफर्मिंग पे, एंड मैं पूरा पूरा दिन अफर्म करती थी, मैं 2-3 घंटे अफर्म करती थी. तो हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग में मैंने अपनी मैनिफेस्ट क्लियर स्किन मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, तो स्टार्टिंग के जो 2-3 वीक्स थे, मैं उसमें बहुत ज़ोर से एफर्मेशंस बोलती थी, बिकॉज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी कि ये चीज़ सच नहीं हो सकती है, मेरे पास क्लियर स्किन नहीं हो सकती, और वो भी बिना किसी प्रोडक्ट को लगाए, दिस इज़ इम्पॉसिबल. तो मैं अपने माइंड में सारे थॉट्स को क्वाइट करने के लिए काफ़ी ज़ोर से एफर्मेशन बोलती थी, लाइक आई हैव क्लियर ग्लास फेयर स्किन, आई हैव क्लियर ग्लास फेयर स्किन, माई स्किन इज पोरलेस. मतलब आई यूज टू सिट डाउन इन माई रूम, आई यूज टू बोल्ट माई रूम अप, एंड मैं अकेले बैठ के बहुत ज़ोर से एफर्मेशन बोलती थी 3 वीक्स के लिए. ठीक है, जब स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट या सेकेंड डे की बात है, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि यार अरे मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है. लेकिन जब आप सेकेंड वीक पे थे, इनफैक्ट फर्स्ट वीक के ही एंड में, मैं काफ़ी बोर हो गई थी इससे, क्योंकि मैं सारा दिन बोल रही थी एंड मैं बर्न आउट भी फील कर रही थी. अब 3 हफ्ते के बाद क्या हुआ कि मेरा एफर्मेशंस बोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं थक गई थी, एंड मैंने नोटिस किया कि मेरा कम बोलने का मन कर रहा था, एंड जो मैं थॉट्स बोल रही थी, एफर्मेशंस बोल रही थी, वो मेरे दिमाग में साइकिल पे चल रहे थे. मतलब एक साइकिल में खुद ब खुद बोलते जा रहे थे अपने आप को. मतलब जैसे जो चीज़ें मैं बोल रही थी, जैसे आई वॉज सेइंग आई हैव क्लियर ग्लास फेयर स्किन, माई स्किन इज पोरलेस, माई स्किन इज डार्क स्पॉट फ्री, तो ये सब एफर्मेशंस मेरे दिमाग में अपने आप ही चलती रहती थी. जैसे सपोज आई एम सिटिंग समवेयर, हम कहीं बाहर गए हैं and my family is doing something and I have to wait and sit, okay? तो मैं just बैठी हुई हूँ, I'm not thinking anything, I'm just looking around, लेकिन मेरे दिमाग में वो affirmations खुद ही चल रही थी, and I was not saying even a single word.
और फिर आफ्टर 1 month आई गेस मुझे ऐसा लगा कि मुझे अफर्मेशन बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं क्यों बोलूँ अफर्मेशन जब वो मेरे पास है, मतलब मेरे पास क्लियर स्किन है तो मुझे अफर्मेशन बोलने की क्या जरूरत है। तो जब भी मुझे कभी ख्याल आता था पूरे दिन में कि अच्छा मेरी स्किन के लिए मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे सिर्फ एक बार ये अफर्मेशन बोल देती थी, जो मेरी 4 lines की अफर्मेशन होती थी मैं वो बोल देती थी बस। और वो भी ऐसा होता था कि 1-1.5 month के बाद मुझे दिन में कभी 2 बार ख्याल आता था। मैं मिरर भी नहीं देखती थी, मैं फेस पे कुछ लगाती ही नहीं थी, मैं बस अपनी लाइफ जी रही थी, मतलब मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था अब कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो ही चुकी है तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत क्या है। और फिर जब 1.5 months और से 2 months हो गए, मैं रात को सोने से पहले नेचुरली मेरे अंदर ये चीज़ होती थी कि मैं विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर देती थी कि जब मैं सुबह उठूँगी तो मेरी स्किन जो है काफ़ी रिफ़्रेश्ड होगी, सारी पफीनेस चली गई होगी, मेरी स्किन पोरलेस फील होगी, जब मैं सुबह उठ के मिरर में देखूंगी मेरा फेस एकदम रिलैक्स्ड होगा, रिफ़्रेश होगा, मतलब ये चीज़ मैं रात को नेचुरली विजुलाइज़ कर रही थी आफ्टर 1.5 month। तो मैंने कहाँ एफर्मेशन से स्टार्ट हुई, कहाँ सिर्फ माइंड में एफर्मेशन बोलना शुरू की, फिर उसके बाद मैं विजुलाइजेशन पे आ गई। मैंने अपनी डिज़ायर नहीं बदली, आई नेवर चेंज्ड माई डिज़ायर, आई जस्ट चेंज्ड द मीन्स टू अचीव दैट डिज़ायर। अब चूजिंग एनी टेक्निक, ठीक है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आपको 1000 से ज़्यादा मेथड्स मिल जाएंगे, लोगों ने तो अपने मेथड्स ऐसे ही बना लिए हुए हैं, ठीक है, आप भी बना सकते हैं अगर आप अपने बनाए हुए मेथड के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि जितनी भी टेक्निक्स हैं, गिनी चुनी 4-5 ही हैं, ठीक है, एफर्मेशंस होगी, विजुलाइजेशन होगी, सैट्स होगी, गाइडेड मेडिटेशंस होगी, ये 4 techniques जो हैं दीज आर मेन टेक्निक्स, ओके, क्योंकि बाकी सब इन्हीं में से निकला हुआ है। सो आप क्या कर सकते हो, आप ये 4 techniques ट्राई करो, ट्राई देम आउट और देखो कि इन सब टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया, आपने सबसे ज़्यादा क्लोज फील किया कि अभी मैंने फील किया है कि मेरी मैनिफेस्टेशन सचमुच हुई है। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसने आपको ये महसूस करवाया है, जिसने आपको ये एहसास करवाया है कि अभी इस मोमेंट में आपके पास आपकी मैनिफेस्टेशन है। और जो आपको टेक्निक ये एहसास दिला सकती है, वो कोई और टेक्निक तो आपको पता ही है, फिर आपके लिए कोई और टेक्निक मायने नहीं रखती, आपको वही चूज़ करनी है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब हम, फॉर एग्जांपल एफर्मेशंस के केसेस में ऐसा होता है कि जब हम शुरुआत में अपने लिए एफर्मेशंस लिखते हैं तो हम ना एक सर्टेन अमाउंट दे देते हैं, जैसे सपोज अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि हाँ मेरे पास एक ऐसी जॉब हो जो सपोज मुझे 50,000 rupees पे करे पर मंथ, ओके। लेकिन अब जैसे जैसे हम ये एफर्मेशन बोल रहे हैं तो हमें 50,000 भी कम लगने लग पड़ा है, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हम इस 50,000 को एक बड़े नंबर से रिप्लेस करें, तो हम करते हैं, अब वो बड़ा नंबर भी छोटा लगने लग पड़ता है, तो इवेंचुअली हम उस नंबर को फाइनेंशियल अबंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितना अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, हमें सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होना है, और फाइनेंशियली फ्री होना एक फीलिंग है, इट्स एन इमोशन जो सिर्फ हमारे अंदर है। तो आप अपनी एफर्मेशंस को भी चेंज कर सकते हो विद टाइम, आप उसे बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फैक्शन। अब मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप हर रोज चेंज करो, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उस रिलैक्स एंड काम स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी इंट्यूशन को क्लियरली सुन सको कि आप चाहते क्या हो, एंड उसके बाद आप एक्ट करो। So these were the 4-5 things that I wanted to share with you. अगर आपको इससे थोड़ा सा भी help मिला हो कि आपको कौन सी technique choose करनी चाहिए, then I had reached my goal. I would say ये video एक success था. And try. See, हम अपना lifestyle बदलने की कोशिश करते हैं, हम वो चीज़ पाना चाहते हैं जिसकी हमें इच्छा है, तो वो एक दिन में तो होने नहीं वाला, क्योंकि हमने जितनी भी हमारी एज है अभी, हम इतने सालों से कुछ और सोच से आए हैं, और अचानक से हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चीज़ रख दी गई हो कि आप इससे हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो अब उस
लॉ को समझने के लिए और उसे अपनी लाइफ में अडैप्ट करने के लिए, हर एक रोज उसे जीने के लिए आपको उसे रिपीट करना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप रेपिटिशन से ही सीख पाएंगे हाउ यू कैन यूज़ दिस लॉ प्रॉपरली. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.